कितनी एज में दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है? अगर आपकी एज भी कम है और आप ये जानना चाहते हैं कि यार कितनी एज में दाढ़ी आ जाती है, तो इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आई, वो कितनी कम कम एज बताते हैं, कितनी कम एज में उनकी दाढ़ी आ चुकी है। कमेंट स्क्रीन पे आपको शेयर होगा और आप उनको पढ़ेंगे, फिर हम उनका सारी जो कमेंट्स उनका रिप्लाई देंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब में से लगभग ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी एज कम है और कम एज होने के बाद उनकी दाढ़ी आने लग गई है। तो और अगर लोग ये भी जानना चाहते हैं कितनी कम एज में दाढ़ी आ जाती है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली जो कमेंट है उसमें लिख रहा है, जो मैंने वीडियो बनाया था, दाढ़ी में केवल एक दो बाल है, दाढ़ी उगाए एक दिन में। तो ये बोल रहे हैं मेरा सिर्फ 13 बाल है, यानी सिर्फ 13 बाल है दाढ़ी में। और फिर ये लिख रहा है नीचे, 5 दिन के लिए दाढ़ी के बाल हटाना है। तो ये अलग कमेंट्स है। नेक्स्ट कमेंट है, भाई मेरी 14 की एज में दाढ़ी आ गई है और मैं उसे उखाड़ देता हूँ तो भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? भाई मैं बहुत परेशान हूँ, स्कूल मैं अभी 8 में हूँ और सब मेरी एज ज़्यादा कहते, तो भाई प्लीज़ बताओ जिससे मेरी बीएड ख़त्म हो जाए। यानी 14 साल की एज है और ये अभी बच्ची है, स्कूल जाते हैं, स्कूल में इन्हें सब ज़्यादा एज वाले बोलते हैं। लोग बहुत सारी कमेंट्स मारते हैं, पहली बात तो ये कमेंट्स बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि लोग क्या बोलते हैं, वो अलग मैटर होता है, लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। फिर आप बात आती है कि अगर आप दाढ़ी के बालों को उखाड़ते हो तो आप उनको उखाड़ना बंद करें, नहीं तो आपकी आगे फिर दाढ़ी नहीं आएगी और आपके फेस पर पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, इसके लिए ट्रिमर आता है, यानी आप जीरो करा सकते हैं, ट्रिमर आता है, ट्रिमर से आप काफ़ी अच्छी आप जीरो करा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लिख रहा है, मैं अभी 14 ईयर्स का हूँ, अभी तो दाढ़ी मूछ आने लगी, ऐसा क्या करें अभी ना है। दाढ़ी मूछ आना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, 12 13 14 साल में आपकी दाढ़ी आने लग जाती, आने लगती प्रॉपर आती नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको सेट करके रखना चाहिए, आपको उसको ट्रिम करके रखना चाहिए, या फिर आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी क्रीम, जैसे कि हिंडर क्रीम होती है और बहुत सारी क्रीम्स होती है जो कि आप दाढ़ी के बालों को उससे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट में लिख रहा है, भाई मेरा 13 ईयर्स है, मुझे मूछ आ गए तो उसे रिमूव कैसे करें? 13 साल में दाढ़ी गई, भाई सोचो, यानी कम से कम एज है 13 साल, 12 और 13 साल की एज में आपकी दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, यानी फेस पर बाल निकालना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं वो ये सोचते हैं कि यार दाढ़ी आ गई है। तो 13 साल में अगर आ गई है तो कैसे रिमूव करें? रिमूव करने के लिए आप हिंडर क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, होम ट्रीटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। होम ट्रीटमेंट्स में आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब वीडियोस में या फिर यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ पर देख के होम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं आपके दाढ़ी के बालों को निकालने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है, नेक्स्ट कमेंट में लग रहा है, भाई मेरी 14 की एज में दाढ़ी मूछ आ गई है, मैं यूज़ उखाड़ देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो ये कमेंट तो मैंने ऑलरेडी पढ़ चुकी है। नेक्स्ट लिख रहा है, मेरा 14 शकल में आ गया, मैंने एक बार ब्लेड भी चला ली, यानी 14 साल की एज में दाढ़ी आएगी और एक बार ब्लेड भी चला ली। तो ब्लेड चला ली ना तो आप भाई गलती आपने कर चुके, आपकी दाढ़ी आएगी। तो आप एक काम करें, आप ट्रिम करना स्टार्ट कर दें आपकी दाढ़ी को, या फिर आप उसको रिमूव करना स्टार्ट कर दें, बट ट्रिम से आप दाढ़ी को सेट कर सकते हैं। देखो, एक बार आपने दाढ़ी काट ली, इसका मतलब आपकी दाढ़ी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसके बाद आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से आपकी हो जाएगी, यानी और ज़्यादा आएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। ये लिख रहा है, यस इट इज़ ट्रू बिकॉज मेरे साथ भी यही हुआ है, यही हुआ था एज ऑफ 13 साल, यानी 13 साल में दाढ़ी आ गई। भाई 13 साल में दाढ़ी आ गई, सोचो, सोच के देखो, कम से कम एज बता रहा हूँ। जो मैंने जो भी कम एज वालों कमेंट्स है वो मैं इसमें आपको शेयर कर रहा हूँ, यानी कम से कम कितनी एज होनी चाहिए दाढ़ी आने की और फिर उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, भैया मेरा 13 एज है और मेरी दाढ़ी आ रही है, इसको कैसे कितने से और हटाएं? बोल रहे दांत लोग, अभी क्या करना चाहिए आप बता दो प्लीज़। यानी 13 साल की एज है, दाढ़ी कैसे हटाए, क्या करना चाहिए? भाई देखो, सेफली ट्रीटमेंट होता है कि आप दाढ़ी को ट्रिम करें, यानी जीरो करें, 10-15 रुपये में आप आराम से किसी भी सैलून पर जाके जीरो करा सकते हैं, या फिर 200-250 रुपये का ट्रिमर आता है,
आप खुद ट्रीमर यूज कर सकते हैं घर पे, कोई बड़ी बात नहीं होती 200-300 रुपये में। नेक्स्ट कमेंट होता है, भैया मैं तो 14 साल का हूँ फिर भी मेरे बियर्ड आ गई है। नेक्स्ट कमेंट उन्हीं की है, भाई मेरी तो रियल में 13 साल में ही आ गई है। 13 साल, 13 साल यानी आप एग्जैक्टली बोल सकते हैं 13 साल में आपकी दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, फिर दाढ़ी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये कमेंट है, भाई यार 14 ईयर्स पे बियर्ड आ गई है क्या करें, फुल क्लीन चाहिए। यानी आपको अगर पूरी फेस अगर आपको क्लीन चाहिए तो इसके ऊपर मैंने कल ही वीडियो बनाया कि आप किस तरीके से आपके दाढ़ी बालों को हटा सकते हैं और आपके फेस को क्लीन कर सकते हैं। आप जितना होम ट्रीटमेंट करोगे उतना अच्छा रहेगा, बाकी जो का आप केमिकल्स यूज़ करते हो, क्रीम्स, स्प्रे वगैरह, जो बीट वगैरह जो भी आता है, तो उससे आपकी दाढ़ी पर नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, मैं 13 साल का हूँ, मेरे भी मुंह पर बाल और दाढ़ी मूछ आ गई। यानी 13 साल की एज में मुँह पर दाढ़ी बाल आ गए, भाई नॉर्मल बात है, आजकल तो बहुत कम एज के लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि यानी जितनी कम एज हो सकती है, यानी कितनी कम एज होती है जिसकी एज में दाढ़ी आ जाती, तो 13 साल की एज आप प्रॉपर मान सकते हैं। अगर आप भी बच्चे हैं और आप मेरा ये वीडियो देख रहे थे और आपकी एज 13 है तो आपकी दाढ़ी आ गई है, तो मैंने आपको जो ट्रीटमेंट्स बताए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा एज के हो और आप ये जानना चाहते हो कितनी साल की एज में दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आप और ज़्यादा एज के हो 25-30-35 साल के और आप ये जानना चाहते हो कि दाढ़ी आना कब बंद हो जाती है, यानी कब आना बंद हो जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रॉपर मैं आपको कमेंट के साथ रिप्लाई दूंगा। मैंने आपको जितनी भी कमेंट शेयर की है वो सब अलग अलग लोगों की है, मैंने सबसे बात भी कर रखी है। और आप अगर ये कमेंट में अगर जो देख रहे हैं उन्होंने कमेंट किए तो आप सीधा सीरियस ना लें, कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम से मैंने शेयर कर दी है और उससे और भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर मैंने आंसर दे दिया, आपको रिप्लाई दे दिया। आपको बिल्कुल ये ट्रीटमेंट करना जो कि मैंने आपको बताया, फालतू को ट्रीटमेंट में ना पड़े, फालतू पैसे खर्च ना करें और बिल्कुल भी ना डरे। दाढ़ी आना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दाढ़ी आना आप स्टार्टिंग होती है, अगर आप बॉय हैं, रियल में अगर आप बॉय हैं तो आपकी दाढ़ी आना स्वाभाविक हो जाता है। यानी आपकी दाढ़ी 101% आएगी कम एज में, ज़्यादा एज में, लेकिन आएगी जरूर, बिल्कुल ना डरे। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन गाइस।